जितेंद्र मेघवाल को मार दिया गया था मूस उसने रखी तो कहाँ बदलाव आ रहा है? हर समाज के अंदर कुछ कमीने लोग होते हैं कि जिन लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वो मूछ लग रहा है तेरा, क्या जीजा लगता है क्या वो? मैं तो कहता हूँ ऐसे इन लोगों का जीजा लगता है तभी उनको शर्म आ रही है, हमारे जीजा मूछ क्यों लग रहा है? क्योंकि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं वो, तो कह रहा है कि घोड़ी उनकी बहन है, घोड़ी उनकी माँ है। मैं तो सब साफ शब्द बोलता हूँ कि जो ऐसा व्यवहार करता है ना वो आदमी अच्छे वोटों के लिए डिजर्व नहीं करता। घोड़ी उनकी माँ बहन होगी तभी को चढ़ता होगा तो उनको दुख होता होगा। लेकिन बीजेपी भी बना रही है बाबा साहब की जयंती। मैं बीजेपी कौन है कौन नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ दो पार्टी जानता हूँ, बीएसपी को जानता हूँ और भीम आर्मी को जानता हूँ। इसके अलावा मैं क्योंकि देखिए जो जो आदमी मेरे लिए कुछ करता है, मैं अपने परिवार को जानता हूँ कि मेरा मेरा पिता मेरा पालन पोषण करता है, मेरी माँ मेरी खाना बनाती है, और मैं किसी आस पड़ोस के लोगों को नहीं जानता। क्योंकि इसीलिए बीएसपी ने हमारे इतने काफी जागृति लाई, अब जो क्रांति ला रहा है वो भीम आर्मी ला रही है। तो हम तो दो पार्टियों के अलावा तीसरी कौन सी पार्टी किसी को नहीं जानते हम। अब जो मोदी जी फूल चढ़ा रहे हैं बाबा साहब, मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने तो 2014 के बाद न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, मैं सब सोशल मीडिया देखता हूँ। मीडिया से मेरा अच्छा नहीं लगता कि जो चीज अच्छी नहीं लगती, जिस रास्ते में कांटे हो उस रास्ते में कभी नहीं जाना चाहिए। जो 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 फेक न्यूज आपको सुनाती जाती है, अननेसेसरी बातें बताई जाती है, भालापन करेंगे बाबा साहब को। बाबा साहब की वजह से हमारे को जीने का अधिकार मिला है, कफन पे कपड़े बाबा साहब की वजह से मिले हैं, ये पैन रखने का बाबा साहब के अधिकार मिला है, जूते पहनने का जो बाबा साहब, हम तो उसको मानेंगे ना भाई। मैं अपने बाप को बाप कहूंगा मैं क्यों, क्यों किसी को मुझे क्या फायदा जल अभिषेक करने, जो जल मामा चढ़ाऊंगा वो जल मैं किसी गरीब के बच्चे को पिलाऊंगा मैं? हमारा सब एक ही बाबा है, क्या करो लिया क्या पी लिया क्या काली क्या बाली, ये सब बेकार के बाबा है ये सब। अरे ये लूटते हैं लूटते, मैं तुझे लंबा कर दूं अगर तुझे चाहिए, मुझे 100 रुपए दे मैं लंबा करता हूँ, मैं भाई को दूंगा 50 रुपए। भाई इनकी फुट एक इनकी हाइट 1 फुट बढ़ गई ना, अब ये 7 फुट क्यों ना, सब सब झूठे आदमी है। देखिए मैं सबसे पहले तो आप सोशल नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये हम सबके लिए हर्षोल्लास का बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड के 120 देश की कंट्रियां बना रही हैं। ये हर भारतवर्ष के लोगों को इसमें घमंड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि भारत की धरती में पैदा हुआ एक गरीब बच्चा जिसको कि आज 120 कंट्रियां जिसका जन्मदिन बना रही हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा भी सबसे ज्यादा तोड़ी जाती है देश में। देखिए ना समझ आदमी तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जिसमें जो अनपढ़ है गंवार है जिसको पता नहीं है कि मेरा भला किसने किया किसने नहीं किया। एक परिवार होता है, परिवार में भी 4-5 लोग होते हैं, सब लोग एक से नहीं होते हैं, उसमें कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो कि पिता की जो मेहनत करता है उसको समझ नहीं पाते, तो पिता की जो है ना कमाई हुई पूंजी को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे ये वो नालायक बच्चे हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। क्या संविधान पूरी तरह से लागू हुआ देश में? देखिए ये संविधान पूरी तरह लागू तो नहीं हुआ है क्योंकि किस लोगों की नियत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार हो रहा है ये जरूर लागू होगा। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर पिछले 35 साल से आ रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझसे 2-3 साल लगते थे, लेकिन आज बाबा साहब का आशीर्वाद है, भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद है, हमारे रविदास जी का आशीर्वाद है, कबीर साहब का आशीर्वाद है, वाल्मीकि जी साहब का आशीर्वाद है कि आज हम सब लोग एकत्र हो रहे हैं और इतने हर्षोल्लास से सभी SC ST जाग रहे हैं। अब जाग रहे हैं अब तो इनके अंदर बहुत अवेयरनेस आ रही है, अब तो ये कुछ करने के लिए बहुत तत्पर हैं, बहुत बहुत जाने की चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी बदलाव हो, क्योंकि अब जो है ना कोई भी आदमी हमें गुलाम नहीं बना सकता, ना कोई जबरदस्ती कोई काम करा सकता है, अब हम सब अपने मर्जी के मालिक हैं। अब जो ना धीरे धीरे अब हमारे राजस्थान में मूंछ नहीं रख सकते पानी नहीं पी सकते, बच्चा स्कूल में इंद्र मेघवाल को मार दिया गया था, अब कहाँ आजादी अभी आपको? देखिए मैं एक बात समझता हूँ कि आज मैंने पहले भी कहा था कि समाज के अंदर कुछ नालायक कुत्ते लोग होते हैं, मैं तो उनको कमीन बोलूंगा कुत्ता बोलूंगा कि जो एक इंसान इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करता है। एक आज जो सोशल इक्विटी का पूरा अमेरिका जिसको पूरा संसार मानता है वहाँ पे इक्विटी वीक बना, सोशल इक्विटी वीक बनाया जा रहा है, 120 कंट्री बना रहे हैं, तो ऐसे कुत्तों की हस्ती क्या है कि जो हमारी मूछ उन लोगों को सबक मिल रहा है, जेल में भी जा रहे हैं। अब तो जाने की देखो देखिएगा कोई भी क्रांति आती है उसमें टाइम लगता है, कोई भी समानता आती है टाइम लगता है, 5000 साल की गुलामी को आप एक ओवरनाइट डे में नहीं खर्च कर सकते, उसके लिए कुछ समय लगता है, लेकिन पहले से तो काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है।
अगर 22 लाख मकान दे दिए, दिल्ली में कितने मकान मिले हैं, चलो यूपी में कितने बने मिले हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। आप कहीं यहाँ चले आइएगा, गरीब बेचारा आज भी कच्चे मकानों में रह रहा है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए साहब, हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा ना, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान तो कभी जो वो सपने लेना छोड़ दे। बता रहे भारत का नाम, मैंने हिंदुस्तान नहीं बताया, मैंने कहा है। मैं गलती कर दी, मैं गलती मांगता हूँ। भारत देश है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा हुआ है, और ये जो है ना कोई भी हिंदुस्तान तो बन ही नहीं सकता। जो देखने वाले हैं, ख्वाब जो आदमी रात को सोता है, जो एक भिखारी होता है ना, वो भी रात को सोता है, तो सर मैं किंग बन गया। इसी तरह से कुछ जो लोग नासमझ लोग हैं, जिन्हें बुद्धिहीन है, बेवकूफ है, अनपढ़ गंवार है, वो ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि दलितों को, मोहन भागवत को हम जानते नहीं भाई साहब, मोहन भागवत घोड़ी चढ़ने तो जलाभिषेक करने तो दलितों को भी। अरे हम जो करें जलाभिषेक। मेरा नाम दालचंद है जी, दालचंद। हाँ, जय भीम। बाबा साहब की जयंती मन रही है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत उत्साह है इस टाइम, हमें बहुत फिक्र है, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत उत्साह हो रहा है बहुत। अच्छा, कुछ मिल रहा है, अधिकार मिल रहे हैं? अधिकार छीन लिए उन्होंने हमारे, अधिकार मोदी सरकार ने छीन लिए हमारे अधिकार। वो तो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, वो ढकोसला उनका दिखावा है, उनका सबका वो कर्मियों के पैर धो रहे हैं मोदी। नहीं नहीं, वो दिखावा है सबका, दिखावा करती है सर खाली सरकार। ये तो काम कौन करता है फिर आपके लिए? काम कौन करता है? हमारे सिर्फ बाबा साहब काम करते थे, और कोई काम नहीं करता। ये हाँ, ये सभी दान का डर है इनको, ये सभी दान को छेड़े चक्कर में। इन्होंने देखा 2 अप्रैल को क्या हमारे रैली हुई थी, क्या जनसभा हुई थी हमारी। अगर ये सभी दान को कुछ करेंगे, ये ऐसी बाबर होता रहेगा। अच्छा, देश में आक्रोश ऐसी रहेगा। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं हुए लोगों से अभी तक? हाँ, ये मोदी सरकार है, ये जब तक ऐसी रहेगा सर, ये बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब तक चेंज नहीं होगा सर, सरकार बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलेगी? वोट तो देते नहीं आप बहन जी को। नहीं, ऐसा बहन जी की हमारे बात नहीं है, हमारी बात है देश की। तो वो तो बड़ी पार्टी है आपकी। वो तो बात ठीक है, हम प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं बहन जी को तो खैर। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम तो उनको। हाँ, हमारे वतन का वही चौधरी जिसको कुर्सी बदलने में गैरत नहीं, जिसको कुर्सी बदलने में गैरत नहीं, उसके लोटे की आदत रखने की है, वो रखता ही जाए तो मैं क्या करूं? सारी दुनिया बदल कर खड़ी हो गई, तुमसे बदला न जाए तो मैं क्या करूं? मेरी रोजी सितमगढ़ चुरा ले गया। अच्छा, मेरी रोजी सितमगढ़ चुरा ले गया, रास्ते जिंदगी के सिकुड़ते गए, मेरे बच्चों की आंखों में फाका कसी मुझसे देखा न जाए तो मैं क्या करूं? मैंने जामे मोहब्बत पिया एक दिन, मैंने जामे मोहब्बत पिया एक दिन तो सरूर वतन और बढ़ता गया, मैंने नागर नशे को उतारा बहुत, उतरने न पाए तो मैं क्या करूं? सारी दुनिया बदल कर खड़ी हो गई, तुमसे बदला न जाए तो मैं क्या करूं? 24 में बदलाव होगा, धुआंधार होगा, ऐसा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव होगा। ये जो मनुवादी सोच कहते हैं, हम अम्बेडकर वादी चल रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा साहब ने पहले कह दिया था, ये कूड़ा करकट है, अगर इसे सही नियम से लागू नहीं किया जाएगा तो ये कूड़े करकट के बराबर है। लेकिन आज बेईमान लोग बैठे हैं 15% 85% पे हावी है। तभी कहा है कि भारत के जितने मूल निवासी जूना ही रे गलबा कान में, हम भुलाएंगे नहीं मनु के विधान में। आज भी लोग भुलाए हुए हैं, चेतना शुरू किए हैं, आज नहीं तो कल हथौड़ा मारी लेंगे, आज नहीं तो कल। आप जैसे नौजवान दिखाओ तो सही, आजकल तो चाटू पत्रकार हो गए हैं, इतने चाटू पत्रकार हो गए हैं कि जैसे कुत्ता एक दूसरा छोड़ देता है पत्तल को, और दूसरा कुत्ता आके लबल लबल चाटने लगता है, वैसे चाटू पत्रकार हो गए हैं, बिके हुए हैं, इतने बिक गए, अपना जमीन बेच चुके हैं। राष्ट्रहित सब समझते हैं आजकल, आजकल पहले की तरह नहीं है आधी जनसंख्या उनका, अब आधी संख्या ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए। हाँ जी, पढ़ने लिखने के ही फायदा है, ये पढ़े लिखे। अब बताओ, जो राजा है उसको जवाब नहीं देना चाहिए? जो राजा है उसे जनता के सामने जवाब नहीं देना चाहिए? ये चोरी, इसको चोरी करना ही करना है, कभी भी सत्ता में आएगी तो बेगर चोरी बेईमानी किए सत्ता में नहीं आ सकता है, इतना लिखित।